मंदसौर जिले में हो रहा है धड़ल्ले से अवैध बोरवेल खनन, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब गर्म करने में लगे। जिले में जल स्तर कम होने से शासन की बिना अनुमति के नहीं कर सकता है कोई बोरवेल, ना ही लगवा सकता है। ट्यूबवेल शासन द्वारा बोरवेल मशीन पर लगाया गया बैन, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन जिले भर के किसानों को एक खड़े ट्यूबवेल पर 50,000 ज्यादा देना पड़ रहा है। इस वर्ष बारिश की मार से किसान दुखी है, जिससे किसानों को गेहूं, चना, लहसुन जैसी फसल के लिए करना पड़ रहा है। खड़ा होल किसानों की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार क्षेत्र में 25 से 30 मशीन रोज चल रही है, जिसको कोई रोक टोक नहीं। स्थानीय अधिकारियों के मिली भगत से हो रहा है अवैध बोरवेल मशीनों से खनन। अधिकारियों को गुलाबी नोट देखकर खरीद लेते हैं बोरवेल मशीन के एजेंट, जिससे अधिकारी भी मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं। ये पैसा सीधा सीधा किसानों के जेब से लूटा जाता है। प्रशासन के आंखों के नीचे चल रहा है अवैध खनन। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। सर, जिले में अवैध बोरवेल को लेकर काफी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, आप जिला स्तर पे क्या कार्रवाई करेंगे सर, कुछ बताएंगे? सभी मेरे से किया गया है और जल संरक्षण अधिनियम और 144 में भी आदेश है, उसके संबंध में जब भी शिकायत मिलेगी और हम उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जिले में लगातार कई माध्यमों से ये सूचना मिलती है कि मध्य रात्रि में बोरिंग अवैध रूप से हो रहे हैं, क्या बोरिंग की परमिशन है और अगर नहीं है तो सर क्या एक्शन लेंगे सर पूरे मामले में? कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि बोरिंग पर अभी रोक लगाई हुई है, बारिश भी कम हुई है और जिले के बहुत सारे इलाके रेड जोन में आते हैं, तो अगर कोई अवैध तरीके से इस तरह की बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को भी दिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसको फिर से भी उनको ताकीद किया जाता है ताकि इसमें सख्ती से कार्रवाई हो। सर, ये बताया जाता है कि नियम ये कहते हैं कि बोरिंग मशीन को डीजल भी पेट्रोल पंप नहीं दे सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? पेट्रोल पंप के लोगों को भी इस बात के लिए ताकीद की जाएगी और डीएसओ को भी हम बताएंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।